हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं ये बता दूँ, हमारे चैनल पर बहुत ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है जिससे क्वेश्चंस को इजी बनाया जा सके और ताकि वो एग्जाम में टाइम टेकन हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स की जानकारी मिल सके और आप उसका यूज कर सकें। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे होते हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस में लिखा है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है उस पर 15% की छूट देता है, तदनुसार उसका क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है हम लोग उसी का अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ लिखा है कि अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक कर सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या मान सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि लागत मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, लागत मूल्य हम लोग का एक्स हो सकता है। एक्स में मान करके 100 मानते हैं हम लोग, जब लागत मूल्य 100 हो जाएगा तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा हम लोग का, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करता है तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 100 का 20% हो जाएगा 120 पर करते हैं क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है, तो 120 आ जाएगा। यानी अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, 120 हो गया, और लागत मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है उस पर 15% की छूट दी जाती है। कितनी की छूट दी जा रही है, 15% की छूट दी जा रही है। तो हम लोग को पता है कि छूट हम किस पे देते हैं, डिस्काउंट हम लोग किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं, और लागत मूल्य पर क्या होता है हम लोग का, कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो यहाँ छूट यानी डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो डिस्काउंट किस पे होगा, अंकित मूल्य पे होगा। तो 15% की छूट दी जा रही है, छूट देकर हम लोग क्या करते हैं, छूट देकर किसी चीज को सेल किया जाता है यानी बेचा जाता है, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कितने में किया जा रहा है, 120 रुपये अंकित मूल्य है, 15% का छूट दे रहे हैं, यानी कि 15% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 100 माइनस 15, यानी 100 में से 15 रुपये घटा के दे रहे हैं, यानी कितना, 85 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जब हम लोग उसको निकालते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 85/100, क्योंकि ये परसेंट में था। अभी जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल जाएगा हम लोग का, 102, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस 102 आ रहा है। उसके बाद क्या करता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ लाभ का प्रतिशत बोल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि लाभ और हानि किस पे होता है, लागत मूल्य पर होता है, और डिस्काउंट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ पूछा जा रहा है तो किससे निकालेंगे हम लोग, लागत मूल्य यानी 100 रुपये है और बेच रहा है 102 रुपये में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो परसेंट लाभ बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा लाभ मल्टीप्लाई 100 बटा लागत मूल्य। तो लागत मूल्य लाभ कितना है, 2 है, 100/100, यानी कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्वेश्चंस में हर एक चीज लिखा रहता है, हम लोग बाहर से कुछ भी चीज नहीं लेके आते हैं, और बस उसे शॉर्ट ट्रिक्स में बना देना है ताकि टाइम कम लगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी 15 दिनों में, सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। अब क्वेश्चंस में जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी 12 दिनों में कर सकता है।
उसके बाद क्या लिखा है, बी प्लस सी, बी प्लस सी 15 दिनों में कर सकता है। उसके बाद सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिनों में कर सकता है, सी प्लस ए 20 दिनों में कर सकता है। फ्रेंड्स इस चैप्टर पे हमारे चैनल पे एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है जो कि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। चलिए उसी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हम इसे कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या निकालना है, ए का निकालना है। अगर ए अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो वो निकालने से पहले हमें ये निकालना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में तीनों साथ मिलकर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद 12, 15 और 20 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1, सॉरी इसका एलसीएम आएगा 60, 60 आएगा। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ए प्लस एलसीएम बाय ए प्लस बी प्लस एलसीएम बाय बी प्लस सी प्लस एलसीएम बाय सी प्लस ए। अब जैसे जैसे लिखा है बस उसी अनुसार हम लोग को पुट कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 60 बाय एलसीएम कितना लिखा है, एलसीएम कितना आएगा 60 बाय 12 प्लस 60 बाय 15 प्लस 60 बाय 20। फ्रेंड्स अब कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, y प्लस 4 प्लस 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 60 बाय 12। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 5, यानी 10। जब a प्लस b प्लस c मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगता है। अब यहाँ हम लोग को पता चल गया कि a b और c तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितना दिन जाता है, 10 दिन जाता है। यहाँ हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि a अकेले कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो a अकेले, यहाँ देखिए यहाँ भी a प्लस b है, यहाँ b प्लस c है, यहाँ c प्लस a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो इन दोनों को छोड़कर जिसके बारे में अकेले कहा जा रहा है उसको ढूंढेंगे किस में नहीं है, इसमें a इंक्लूड नहीं है, यहाँ केवल क्या है, b प्लस c है। अब इसे भी हमने अपने उस वीडियो में पढ़ा था शॉर्ट ट्रिक्स के से कैसे निकाल सकते हैं। तो a का क्या हो जाएगा, टोटल डेज मल्टीप्लाई बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है 15 डेज, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 15 बाय 15 माइनस 10, तो 10 मल्टीप्लाई 15 बाय 5। कैलकुलेट करने के बाद क्या प्राप्त होता है हम लोग को, 30 दिन, यानी ए अकेले जब काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, उसको 30 दिन लगेगा। फ्रेंड्स बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अच्छे से ध्यान दीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चंस टाइम टेकन हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10% है, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है, यानी इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है कि वो किस रेशियो में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही चलना है, क्वेश्चंस में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है बस उसको ही पकड़ कर चलना है हम लोग को। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या कहा जा रहा है तो यहाँ गर्ल्स लिख लेते हैं, जी फॉर गर्ल्स, लड़कियों की संख्या का 10%, 10% हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, यानी कि बॉयज के संख्या के 1/20 के बराबर है, इसको बराबर कर दिए। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जैसा जैसा क्वेश्चंस में कहा जा रहा है बस वैसा ही करना है, अदर कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है, 2g=b। रेशियो वाले वीडियोस में अगर आपने रेशियो वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इक्वल टू को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देख सकते हैं।
और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, बी जी बराबर बी, ये किस में आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये बी 1/1 हो जाएगा। इसलिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आएगा, 2:1। देखिए यहां से शॉर्ट से हम लोग पकड़ते हैं क्या होता है, बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या हो जाएगी, 2:1, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जो मल्टीप्लाई है किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका रेशियो क्या होगा, 2:1, यानी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या आएगा, 2:1। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा सही से। अगर नहीं समझ में आता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत, ये एवरेज से क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से प्रथम 5 का 12 है, प्रथम 5 का 12 यानी 5 का औसत 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसे शॉर्ट ट्रिक्स किससे कैसे बना सकते हैं, यहाँ 20 लिखते हैं, उसके बाद टोटल कितना है, टोटल 20 दिया हुआ है, 20 का एवरेज कितना है, 15 है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसमें से प्रथम 5 लिख देते हैं, प्रथम 5 का एवरेज कितना दिया है, 12 है, तो प्रथम 5 है तो बाकी शेष कितना बचेगा, बाकी शेष 15 बचेगा, 15 बस। अब इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो यही वाला है और इन दोनों को भी ऐड करने के बाद 4 आ जा रहे हैं। अब चलिए देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज बराबर होगा ये सबसे टोटल नंबर यानी कि 15। अब यहाँ से हम लोग एवरेज टू एवरेज चलेंगे, यहाँ से यहाँ पे 15 के बाद ये कितना हो गया, 12 हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, तो अगर ये कम हो रहा है तो अपोजिट हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कम होगा तो साइन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बस यही रूल फॉलो करना है। अब 15 to 12 जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो कम हो जाए तो साइन किस चीज का जाएगा, साइन क्या जाएगा, प्लस का जाएगा, तो कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो 3 कम हो रहा है तो इस 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 3 मल्टीप्लाई 1 बाय, किसका एवरेज निकालना है, 3 का, इसका टोटल नंबर यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का एवरेज निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 15 प्लस 3 बाय 3, इसको कट करते हैं तो 1 आता है, यानी 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यानी कि इस नंबर 3 का एवरेज कितना आएगा, 16 आएगा। बहुत ही इजी ट्रिक्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि इस इजी ट्रिक्स से सॉल्व करें क्वेश्चंस को। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। फ्रेंड्स अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो अगर हम उस पर डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट लेने के बाद भी कुछ मेरा अमाउंट होता है, अगर वो चीज 10 रुपए का है उस पर 5 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है तो 5 रुपए में हम उसको रिसीव करेंगे, यानी एक मूल्य ये भी आएगा, यानी एक प्राइस ये भी आएगा और एक प्राइस ये भी आएगा, और बीच वाला क्या है, बीच वाला डिस्काउंट है। वही चीज यहाँ भी हम लोग को देखना है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, परिणामतः उसका मूल्य 416 हो जाता है, परिणामतः यानी ये सारे डिस्काउंट्स देने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है, 416 हो जाता है, यानी कि पहले भी उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मान लेते उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, एक्स था, उस पे क्या किया जा रहा है, पहले 20% घटाया जा रहा है, तो 20% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 80 रुपए में दिया होगा कुछ, 80/100 कर सकते हैं, फिर से मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या किया जा रहा है, 30% बढ़ा दिया जा रहा है, 30% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 100 रुपए वाला चीज 130 में दिया होगा ना, उसके बाद क्या कर रहा है, इतने सारे डिस्काउंट्स देने के बाद इस एक्स का प्राइस कितना हो जा रहा है, 416, तो यहाँ 416 लिख देते हैं। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त होता है, देखिए
यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 10 टू 10 हो जाएगा, 4 1 0 4, 13 8 जा। अब देखिए क्या आ रहा है, x इक्वल टू क्या आएगा, ये 5, यहाँ ध्यान रखिए ये पूरा कट नहीं हुआ है, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, यानी कि x 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 मतलब 400, यानी कि उस वस्तु का मूल मूल्य, मूल मूल्य कहने का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी पहले वाला मूल्य क्या रहा होगा, तो पहले वाला मूल्य हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ पे एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 400, यानी इसका मूल मूल्य कितना रहा होगा 400। 400 पे पहले हम लोग 20% हम लोगों ने घटाया, उसके बाद 30% बढ़ाया, तो उसके बाद कितना प्राइस आ जाता है, 416 रुपया। तो मूल मूल्य कितना आ रहा है, 400 रुपया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चंस देख के बहुत लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन चलिए हम इसे इजी ट्रिक से पढ़ते हैं, बहुत इजी है। 4 + 3√3/7 + 4√3, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, नीचे जो नंबर दिया है यानी 7 + 4√3 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर से, जब हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी 7 यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, यानी 7 - 4√3। अब इसी को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 - 4√3, 4√3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 4 को पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी 28 माइनस, फिर से 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 से, यानी कि 16√3। अब तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 को, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को, यानी 21√3। अब 3√3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4√3 से। अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 4 3 = 12, और रूट थ्री तो सब लोग को पता है, रूट थ्री को जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, तो 4 3 = 12 और 12 3 = 36। अब उसी तरीके से हम लोग नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए एक इजी ट्रिक्स बताती हूँ, जब एक ही जैसे नंबर यहाँ पे रहते हैं, बस केवल साइन चेंज होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, और बाकी सारे नंबर्स एक होते हैं, तो उसका पूरा कैलकुलेट करने पे क्या आता है, 1 आता है। पूरा कैलकुलेट करने पे क्या आता है, तो लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम लोग पुट कर दें, 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करने के बाद अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 6 - 16√3 + 21√3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 5√3। अब यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ लिखा है 28 और यहाँ -3 नहीं है, यानी कि माइनस करेंगे, प्लस माइनस, माइनस माइनस करने पे क्या मिल जाता है हम लोग को, 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5√3 - 8। देखा आपने कितना इजी, बहुत इजी वे में बन गया, बस ट्रिक्स को ध्यान रखना है और उसी पे पुट कर देना है हमारे सारे नंबर्स को। इसका आंसर क्या आएगा, 5√3 - 8। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जितने मैथ्स के वीडियो हैं और जितने GK GS के वीडियोज हैं उन सबको भी देखिए, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स उसमें बताए गए हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।